हेलो, आज हम बात करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट की। जब हम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी आती है, जो कि दोनों की दोनों निकलती है एसेंडिंग आयोटा से। तो हम पहले बात करेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है ये असेंडिंग आयोटा से निकलती है, रन कर रही होती है एंटीरियरली राइट कॉर्नरी सल्कस में, और ये हमारे एसे नोड को एक ब्रांच देता है, दैट इज कॉल्ड एसे नोडल आर्टरी, जो हमारे एसे नोड को सप्लाई करती है। अगर एसे नोड को राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है, फिर एवी नोड को कौन सप्लाई करती है? ये जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये राइट कॉर्नरी सल्कस में चल रही होती है पोस्टीरियरली, एंड ये देती है दो ब्रांचेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांच। सुपीरियर ब्रांच जो होता है, जो कि हमारे एवी नोड को सप्लाई करता है, उसको एवी नोडल आर्टरी कहा जाता है, एंड जो इंफीरियर ब्रांच होता है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि रन कर रही होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। अब हम बात करेंगे लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी भी निकलती है असेंडिंग आयोटा से, रन कर रही होती है एंटीरियरली, दो ब्रांचेस देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि रन कर रही होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, एंड सर्कमफ्लक्स आर्टरी देती है, जो हार्ट के पीछे की ओर जाती है। जो सर्कमफ्लक्स आर्टरी होती है, ये पोस्टीरियरली जाती है, एंड ये राइट कॉर्नरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। अब राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है? जो पोस्टर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, ये पोस्टर टू थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, पोस्टर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, पोस्टर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है। मगर जो इन्फीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल को, एंड एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है। अब बचे हमारे लेटरल वॉल। लेटरल वॉल को सप्लाई करती है हमारी सर्कमफ्लक्स आर्टरी। अब हम आपको बचा यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम, उसको सप्लाई कौन करेगा? हमारा जो एसे नोड एंड एवी नोड है, उसको राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करेगी, एसे नोडल ब्रांच देगी, एवी नोडल ब्रांच देगी। मगर जो बंडल ऑफ राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो कि रन कर रही होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, सेप्टम में, उसको सप्लाई करेगी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। मगर बंडल ऑफ को राइट कॉर्नरी आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है। अब जो पोस्टर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये डिसाइड करती है कार्डियक डोमिनेंस। कार्डियक डोमिनेंस जो 65% पॉपुलेशन होती है उनमें होती है राइट कार्डियक डोमिनेंस, 10% पॉपुलेशन जो होती है उनमें होती है लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस। 65% पॉपुलेशन जो जिनमें राइट कार्डियक डोमिनेंस होती है, उसका मतलब क्या हुआ? जो 65% पॉपुलेशन होती है उनमें जो पोस्टर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आती है, ये आती है राइट कॉर्नरी आर्टरी के साथ, राइट कॉर्नरी आर्टरी से, एंड जो 10% पॉपुलेशन होती है उनमें जो पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आती है, ये आती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से, एंड 25% पॉपुलेशन को डोमिनेंस होती है, जिनमें कि पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट एंड लेफ्ट से भी आती है, दोनों में एक से आती है। थैंक यू।